वैसे मैंने आपको फाइव स्टार होटल के बारे में कुछ वीडियोस के थ्रू बताया है, कुछ और ऐसी बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट है और मजेदार है वो मैं और आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करती हूँ। जैसे हम लिफ्ट से आएंगे तो बड़ी बेसिक सी बात है कि इस तरीके से रूम्स की डायरेक्शन लिखी होती है कि किस रूम नंबर के लिए किस तरफ जाना है। तो जैसे मेरा है रूम 2515, तो ये इधर इधर के लिए एरो है, तो यहाँ चलते हैं और ये कॉरिडोर आ गया और ये आ गया मेरा रूम। तो जो इस पर नंबर है मतलब 25, तो इसका मतलब 25th फ्लोर है और 15 नंबर मेरा रूम है। यहाँ पर मैंने जैसे डू नॉट डिस्टर्ब लगाया हुआ है, इसका सिस्टम रूम के अंदर से है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि ये मेरा रूम है, ये रूम मैंने अंदर से खोला हुआ है, बंद नहीं किया है। अंदर चलते हैं। जैसे हम अंदर आते हैं तो इस तरीके की ये चीज होती है, यहाँ पर इसको डोर ब्लॉकर बोल सकते हैं। तो इसको अगर मुझे रूम को बंद नहीं होने देना है और मेरी की जो यहाँ पर लगी हुई है, ये की है, ये यहाँ लगी है, मैं इसको नहीं निकालना चाहती और किसी काम से बाहर गई हूँ दो मिनट या कुछ भी, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगी ताकि जब मैं रूम का डोर छोड़ूं तो वो लॉक नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर रुक जाएगा और मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो फिर ये रूम लॉक हो जाएगा इस तरह से, और फिर मैं इसको भी बंद कर दूंगी तो डबल सेफ्टी होगी। और इसको यहां से एक बार मैं घुमाऊंगी तो ये डबल लॉक हो गया, बाहर से इसको कोई नहीं खोल सकता, लेकिन अंदर से मैं चाहूं तो इस लॉक को खोले बिना पहले इसको खोल देती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसको खोले बिना भी मैं यहाँ से रूम खोल सकती हूँ, लेकिन बाहर से इसको कोई नहीं खोल सकता क्योंकि मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया है। और ये भी सेफ्टी पर्पज से मैंने बाहर जो डू नॉट डिस्टर्ब आपको दिखाया था, कहीं कहीं उसके लिए टैग्स भी होते हैं, वो लगे होते हैं दरवाजे पर। और इस होटल में ये सिस्टम है कि ये बटन जब मैं प्रेस करूंगी तो डू नॉट डिस्टर्ब आ गया, और अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करती हूँ तो वो चला गया। इसका मतलब बाहर डू नॉट डिस्टर्ब अब नहीं लिखा है, कोई भी मेरे रूम में आने के लिए बेल बजा सकता है। अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगी और ये लिखा हुआ आ जाएगा तो बाहर जो मैंने दिखाया था डू नॉट डिस्टर्ब लिखा हुआ आ जाएगा और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब तक मैं किसी को नहीं बुलाती तब तक मेरे डोर को कोई नॉक नहीं करेगा। अब एक और चीज दिखाती हूँ आपको, बाथरूम में चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि बाथरूम में वैसे तो हैंड टॉवल और बॉडी वॉश, सोप और एक्स्ट्रा टॉवल, बड़े वाले टॉवल, ये सब कुछ होता है, इवन टिश्यूज भी होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर भी एक टॉवल है, यहाँ पर भी एक टॉवल है, तो बहुत सारे टॉवल हो जाते हैं। एक ये मैट के तौर पे टॉवल बिछा है, ये सेपरेट होते हैं। ये शावर एरिया में भी यहाँ पर सारी टॉयलेटरीज रखी हैं, लेकिन हमें जरूरत हो या ज्यादा यूज हो गया हो सामान तो इस तरीके से हम और चीजें मंगवा सकते हैं। ये देखो आप, जैसे कि मैंने टॉवल मंगवाए हैं एक्स्ट्रा, ये टी, कॉफी, मिल्क, शुगर, इसके सैशेज मंगवाए हैं। अगर इसमें कोई खास अपनी पसंद है तो उसको भी मैं नाम लेकर इनसे मंगवा सकती हूँ। और मैंने एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज भी मंगवाई हैं, अगर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना तो ये हम पहले भी मंगवा के रख सकते हैं। और उसके अलावा पानी की बॉटल्स
वो भी मंगवाई जा सकती हैं। और ये इसकी वीडियो मैंने आपको पूरी दिखाई थी, अगर आप चाहो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। रूम में ही एक स्टडी टेबल भी लगा होता है, वहां लैंप भी होता है, और अगर कुछ लिखना है, किसी का फोन आ गया, कुछ एड्रेस नोट करना है, किसी को कुछ लिख के देना है, रूम में अगर हमने किसी को बुलाया है, तो यहाँ पर पेंसिल और कुछ पेपर्स भी होते हैं, इस पर हम लिखकर उसको दे सकते हैं, या खुद कुछ मेमोरी नोट करनी है तो वो भी हम लिख सकते हैं। बाय चांस हम पेन अगर साथ में लाना भूल गए या पेपर हमारे पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पर हमें वो सुविधा मिल जाती है। और मैंने बताया कि कुछ भी चाहिए तो हम मंगा सकते हैं, इवन अगर कभी बटन टूट जाता है या थोड़ी सी हैमिंग या कुछ ऐसी ज़रूरत हो तो हम यहाँ से निडल बॉक्स भी, निडल किट भी मंगवा सकते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक तो हमें अपने पहनने के कपड़े लाने चाहिए और हमें यहाँ पर खाना जो हम खाएंगे उसके पैसे देने हैं, बाकी और छोटी मोटी डेली रूटीन की जो भी चीजें चाहिए होती है हमें कुछ भी कैरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। यहाँ से हर चीज प्रोवाइड की जाती है, इवन स्लीपर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इसलिए अपना लगेज बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। 5 stars, 3 stars में जो इतना ज्यादा किराया होता है वो सारा वसूल हो जाता है, और यहाँ रहने का एक एक्सपीरियंस अलग ही होता है। जब हम लिफ्ट से लॉबी में अपने फ्लोर पर आते हैं तो इस तरह से रूम के लिए डायरेक्शंस लिखिए कि जो रूम है उधर हमको थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। जैसे मेरा 2515 नंबर है, तो जो इसमें पहले 2 digit हैं वो फ्लोर है, और जो दूसरे 2 digit हैं वो मेरे रूम का नंबर है। यानी कि मैं लॉबी से होती हुई अपने रूम के बाहर आ गई, ये नंबर है और ये नंबर है, ये की है, इसके बिना डोर नहीं खुलेगा। वैसे मैंने अभी डोर खोल के रखा है, मैं दिखाती हूँ वो भी कैसे। और मैंने यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब लगाया हुआ है, तो ये रूम अभी मेरा खुला हुआ है। ये की से कैसे खुलता है मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया हुआ है। अब आप अगर देखो तो जैसे मैंने ये डोर छोड़ दिया तो ये पूरा लॉक नहीं हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है, बोल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने इस तरह किया था तो ये बंद नहीं हुआ। अगर मैं इसको इधर कर दूंगी और डोर को छोड़ूंगी तो ये पूरा बंद हो गया। अब मैं डबल सेफ्टी के लिए ऐसे भी कर दूं तो और भी अच्छा रहेगा। और उसके अलावा जो यहाँ पर ये नॉब है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगी तो ये पूरा बंद हो गया। अब इसको बाहर से कोई बिना की के नहीं खोल सकता है, तो इस तरीके से ये डबल बंद हो गया। अब मैं अगर इसको खोल दूं और इसको खोले बिना यहाँ से दबाऊं तो ये पूरा खुल जाएगा। ये देखो इस तरह से ये हो गया, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और उसके अलावा जो बाहर डू नॉट डिस्टर्ब आ रहा था वो मैंने यहाँ से प्रेस किया है। कहीं कहीं होटल्स में टैग भी दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम है। देखो आप, जैसे अगर मैं इसको एक बार और प्रेस करूंगी तो ये डू नॉट डिस्टर्ब चला गया, और मैं प्रेस करूंगी तो आ गया। इसका मतलब बाहर भी डू नॉट डिस्टर्ब लिखा हुआ आ रहा है। इसको अगर ये ऑन है तो बाहर कोई भी मेरे डोर पे बेल बजाएगा नहीं, लेकिन मैं अगर किसी को बुलाना चाहूंगी तभी कोई आएगा। तो इससे बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपको लंबी नींद लेनी है, आप ट्रेवल से टायर्ड हैं, या आपको दोबारा ट्रेवल करने जाना है और आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, तो ये प्रेस कर दो और सुकून से आराम करो।